दिमाग में कुछ है नहीं जो सबसे आसान वाला था। जिन लोगों को ये सबसे आसान लगता है आज के बाद नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसको आप बचपन से बहुत हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन थोड़े पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है इंटरोगेटिव वर्ड। ठीक है, क्या इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं? समझ नहीं होते क्यों नहीं यार, जल्दी बड़ी हमें नहीं लगता वो चीज होती है। कौन बताएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या? किसी और तरीके से पढ़ लिया जबकि वो वैसे होते नहीं है, वही हमारा माइंडसेट आज भी है। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? आ गया टू 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 व्हाट व्हिच When, why? इसके अलावा कोई और शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो जिससे आपने प्रश्न पूछा हो कभी किसी से? कोई है? अरे यार मैं गंदा मुंह क्यों बनाया हूँ, सीधे बोलो। नहीं है, इसमें भी कंफ्यूजन है कि इतने ही सही हम सवाल पूछ के काम चला लेते हैं, बाकियों से नहीं पूछते। इतने ही शब्द होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इन्हें इंटरोगेटिव वर्ड आप बोल देते हैं, जिनको हमने इनको बोला जाता है WH फैमिली के वर्ड, जिनका काम ही होता है क्या प्रश्न पूछना। ठीक है, इसके अलावा भी इनके फंक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न ही पूछते हैं। छोड़ो ये सब बातें, बाद में करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और दिमाग में आ रहा, मुझे ये बताइए इंटरोगेटिव वर्ड छोड़िए, इंटरोगेटिव है क्या? एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन इंटरोगेटिव होता है, मैं खुद नहीं बोल पाया ठीक से, सच क्या बोलूं। ठीक है, छोड़िए उस बात को भी, सर बताएं दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा क्या पढ़ाऊं। तो क्या होता है इंटरोगेटिव, ये भी छोड़ो। एक आपको बचपन में सिंटेक्स पढ़ाया गया होगा, क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट। अभी हमने दो दिन पहले भी इसी बारे में बात की थी, क्या सब्जेक्ट बच्चे आपका क्या होता है? इस वर्ब का एक्शन होता है, माफ कीजिएगा, इस एक्शन वर्ब का डूअर होता है, करने वाला। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसी एक्शन वर्ब की एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है भाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ चाहिए, उसका कर्म चाहिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन इस वर्ब का क्या होना मस्ट है? एक्शन। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद में क्या लगा होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। वहां पे ये वर्ब क्या नहीं दिखा पाती, एक्शन नहीं दिखा पाती। भाई आइए मैं टीचर, आइए मैं डॉक्टर वाला एग्जांपल, वहां पे ये वर्ब हमारी एक्शन नहीं दिखा पाती। और जब इस वर्ब में एक्शन ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? यही तो बात हमने की थी उस दिन कि जब इस वर्ब में ऑब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, वर्ब में एक्शन नहीं है तो उस एक्शन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई मैंने खाया तो क्या खाया? आम खाया। ठीक है, लेकिन मैं आम हूं, मतलब आदमी, आम मत समझ लेना। ठीक है, मैं आम आदमी हूँ तो इसमें कोई एक्शन नहीं, तो उस एक्शन की एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन नहीं दिखा रहे होते हैं हम, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो एक तरीके की इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही होती है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। तो सब्जेक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि उसकी विशेषता बता रही, उसकी विशेषता बता रही, तो वो बिहेव किसका करेगी? अमूमन एडजेक्टिव का ही करेगी, यही हम पढ़ के आए हैं। अब इसके अलावा आपके टीचर ने इंटरोगेटिव में तमाशा पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया? अभी प्रोनाउन पे लेके आऊंगा, थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ये वर्ब लिखी हुई थी, उन्होंने कहा कि भैया अगर आप में सेंटेंस में आपको प्रश्न पूछना है तो आपको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखो और फिर उसकी वर्ब लिखो। मतलब कहने का मतलब
कभी आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में डिफरेंस नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी एक बात जानते हैं कि आपकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। और एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड आगे लिखवा दिया जाता था, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इसको पढ़ना है आपको। क्वेश्चन वर्ड लिखते थे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर आप सब्जेक्ट लिखते थे, फिर आप कहीं जाके वर्ब लिखते थे। मेरा प्रश्न यही है कि दो तरीके के आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक क्लोज एंडेड एक ओपन एंडेड। पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी इतना जान लीजिए। एक वो इंटरोगेटिव प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या ना होता है, बेटा खाना खाया, हाँ अंकल खा लिया, ठीक है, पढ़ाई की नहीं की, ठीक है, खाना क्यों खाया, अब जब आप बहुत भूखे थे और खाना बहुत मस्त बना था इसलिए खाया, तो इसका आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे रहे हैं। तो सवाल दो तरीके के पूछे जाते हैं, एक हाँ या ना में जवाब देना होता है और एक में डिस्क्रिप्शन देनी होती है, उन्हीं को ओपन और क्लोज एंडेड कहते हैं। जब वो पढ़ाएंगे तब डिटेल करेंगे। उसी टाइप के दो सेंटेंस के सिंटेक्स लिखे हैं मैंने, एक वो जिसमें आगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लग के क्वेश्चन मार्क लग गया, दोनों में क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा होता और इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक है। आपने खाना खाया, मतलब डिड यू ईट, ऐसे ही तो बोलते हो कि व्हाट डिड यू ईट, तो फिर क्या खाया हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड एक में नहीं लिखते, एक में ही लिखते हैं। लेकिन जो एक बेसिक कॉमन फैक्टर था वो ये कि अभी तक जो वर्ब हमेशा पीछे लिखी जा रही थी, अब यहाँ वर्ब हो साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आने लगेगी आपकी, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती थी वो सब सब्जेक्ट पे कहाँ आती थी बेटा, बाद में। लेकिन इसमें वो कहाँ आने लगी, पहले। जब मेरा पहला सवाल यही है, क्यों इन्वर्सन, वो भी बात की बात है, ऐसा क्यों, क्योंकि दुनिया में दो तरीके के सेंटेंस हैं आपके। कौन सा, एक असर्टिव जिसमें आप स्टेटमेंट पास करते हैं कि मैं कोई भी बात बोले, हिंदी में बोले तो कथनात्मक वाक्य जिसमें कथन होता है, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं आज सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, किसी भी तरीके की कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव और अफर्मेटिव में डिफरेंस है, वर्ब में पढ़ेंगे अभी नहीं, तो वो आपकी स्टेटमेंट पास करने के सेंटेंस हो गए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में खास बात होती है, क्या याद करिए, आपकी क्लास में जब आप छोटे थे एक टीचर आते थे और आके बेटा बातें करना शुरू कर देते थे, तुम्हारा भी मस्त एकदम जीवन गुजर रहा होता था। एक घंटे की क्लास, बंदे ने आधे घंटे 40 मिनट समझाया, तुमसे बातें की, तुमको पुचकारा, बस प्राण कहाँ निकलते थे, जहां उसने प्रश्न पूछा वहीं आपके प्राण पखेरु उड़ गए कि अब आधा घंटा काटे नहीं कटेगा, यही तो होता था जीवन में। तो सारे वाक्य उसने बोले, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जहां टीचर ने प्रश्न पूछा मूड खड़ा। तो प्रश्न पूछते ही जीवन में कहीं पर भी हो, टीचर ना हो, पिताजी भी प्रश्न पूछ ले कहां से आ रहे हो, मूड खड़ा, अब क्या जवाब दे, इतनी देर कहां लग गई, मूड खड़ा, अब क्या जवाब दे, झूठी बोलते हो। तो जहां बंदे ने प्रश्न पूछा दिक्कत हुई, तो कुछ तो खास था इन सवालों में, कुछ तो खास था ना, क्या कि जब भी आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाला आंखें बड़ी, फोकस बढ़ जाता है कि नहीं, नॉर्मल सब कुछ। टीचर एक टीचर पाठ पढ़ा रहा है, याद करो ना, रीडिंग होती थी और बीच में तो बड़ा बताओ कहाँ पर है, अब बच्चा तो अंदर बैठा वहां जो ऐसा लगता है कि फोटो होती थी उसमें मुझे बना रहा होता था, यही तो किए हो, अब भाई कोहनी मार रहे इधर उधर इधर उधर कि हम कहाँ पर थे, यही तो करो, क्योंकि उसने प्रश्न पूछ लिया, मतलब आपका फोकस आ गया ना टीचर के, बच्चा की जहां भी हो एक बार उसने प्रश्न पूछा एकदम सारे पाप याद आ जाते जितने भी किए हों। यही है उस सेंटेंस की खासियत, इसको आगे करने का सिर्फ एक ही मतलब है, सामने वाला जैसे बोलते टाइम प्रश्न होता है वैसे ही लिखते टाइम भी सजग हो जाए कि सेंटेंस असर्टिव नहीं है, इसको बोलते हैं एम्फसाइज करना, अपनी बात को जब जोर देके कहते हैं तो कुछ अलग करोगे ना तभी तो जोर पता चलेगा। आप को आज बाइक चाहिए, बहुत डेस्परेट है आप, सामने वाले को बाइक पर बिठा के घुमाना है, अपने दोस्त को जरा बाइक दे दो, घंटा नहीं देगा, पैर में पकड़ो, ठीक है, या कुहनी उहनी मारो, चबिए लेके भाग चको, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तभी तो बाइक मिलेगी। तो यही है बेटा इंग्लिश में भी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखते हैं, इसे बोलते हैं कोई सिंटेक्स विंटेक्स नहीं है, यह है रूल ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का काम ही होता है जहां जहां बात को इम्फेसाइज करना हो,
जहां जहां बात को जोर दे के कहना हो वहां पे हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। और इन्वर्जन कोई जादू नहीं, अभी आप इन्वर्जन आगे वर्ब में पढ़ेंगे, आगे एडवर्ब में पढ़ेंगे। इन्वर्जन कोई जादू नहीं है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब दोनों को बाहर कर सकता है, लेकिन अभी मैं वो बातें नहीं छेड़ रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब को वो बाहर कर देता है ताकि सुनने वाला लिखने वाला ये बात समझ सके इस सेंटेंस में कुछ खास है, यानी कि इस सेंटेंस में ध्यान की जरूरत है, क्योंकि आपको क्या करना है, सवाल का जवाब देना है। ठीक है, यही तो होता है इंटरोगेटिव। बाकी सारे सेंटेंस क्या है, हमारे नॉर्मल है, उसमें कोई जवाब नहीं चाहिए, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका फोकस, आपका जवाब चाहिए होता है, इसलिए आपको इंफेसाइज करना होता है। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, छोटे से लेके बड़े तक, वो सारे के सारे क्या है, अपने आप में इंफेसाइज के सेंटेंस। और इंफेसाइज करने के लिए एक ही नियम आज के बाद याद रखिएगा, डिटेल में धीरे 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 इसके पन्ने खोलेंगे, एक साथ नहीं, जितना भी जहां कहीं भी आपको इंफेसाइज करना होगा आप उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लीजिए। बहुत ज्यादा करना होगा, इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है फुल इन्वर्जन, उसमें आप मेन वर्ब को भी बाहर खींच लेते हैं, वो बात की बात है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसीलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाने में अच्छे अच्छे बच्चे धोखा खा जाते हैं। ये सबके साथ होता है, सारी पैसिव बन जाएंगे इंटरोगेटिव, क्यों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में तकलीफ होगी। मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहां पे, हु इज ही, अब कहोगे ही भी क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है सब्जेक्टिव के, और हु तो सभी जानते हैं सब्जेक्ट है, अभी दोनों सब्जेक्ट आ गए एक ही सेंटेंस में, सही या गलत, सोच के बताइए। बोलते हो हु इज ही, ठीक है, लेकिन जब मैंने आज लिखा और उसकी वेरिफिकेशन कराई, हु बेटा एक सब्जेक्ट है, सब जानते हैं, नाउन में पढ़ाया था, ही अभी भी पढ़ा के आए, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट घुसेड़ दिए मैंने, तो क्या ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही, और बीच में इज भी लगा है, इन्वर्जन भी लगेगा, क्या ये ग्रामेटिकली सही है, हाँ या ना, है हो गया ना कंफ्यूज। इसीलिए ये सब बता रहा, इसको हल्के में मत लीजिए, और ये इसमें भी पढ़ेंगे आगे भी जाके, कम से कम वर्ब में भी पढ़ना है, एडवर्ब में भी पढ़ना है, कंजंक्शन में भी पढ़ना है, इन्वर्जन वहां तक आपका काम रहेगा। ठीक है, एक कंजंक्शन आप लगाते हो सो आई डू ना लिख करके, सो डू आई लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ गई, ये इन्वर्जन ही है, ये इस कंजंक्शन का जन्मा था, आगे पढ़ाऊंगा जब कंजंक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो ये वहां तक चलेगा। आज केवल आपको एक रूप दिखाया है कि आज के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं लगती, इंटरोगेटिव सेंटेंस बाकी सेंटेंस से अलग है, इम्फेसाइज होता है, जोर देता है, जोर देने के लिए इंग्लिश में इन्वर्जन का यूज होता है, कि किसी भी चीज को अलग से दिखाने के लिए, अलग से सीन कराने के लिए इन्वर्जन लगाइए। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, या तो उसकी हेल्पिंग को बाहर कर लो या मेन वर्ब भी बाहर दिखा दो, बस यही होता है। तो इसीलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। अब सवाल आया हु इज ही, सही या गलत, अच्छा छोटा सा सेंटेंस, हु आर यू, ये तो सही है, देखो कैसे फंसते हैं आप, हु आर यू, हु क्या है दोस्त, सब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। अब आप यहाँ पे यू को क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट समझेंगे, और अभी अभी पढ़ाया हु आर यू एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट है, और ये क्या है, आर, आर एक वर्ब है, अब हेल्पिंग है कि मेन है भी बात नहीं कर रहे हैं, और आर के बाद में सब्जेक्ट लगना चाहिए, तो जिसको अभी आप मुंह फाड़ के क्या बोल रहे थे, ऑब्जेक्ट, वो तो सब्जेक्ट है, फिर हु कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपको इंटरोगेटिव आता ही नहीं, आप बस टाटा थैया वाला गाना चलता है, टीचर ने पढ़ा दिया राम कहाँ जाता है, तो वेयर, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, वेयर डस राम गो कर देते थे आप, बात समझिए, अभी हु इज ही में दिक्कत थी, लेकिन हु आर यू आपने हजार बार सुना है, अब बताइए हु इज ही सही की गलत, अब सही हो, क्योंकि आपने एक ऐसा एग्जांपल देखा जो हम सुन रहे हैं, हु आर यू, अगर हु आर यू सही है तो हु इज ही सही है। What are you? Right or wrong? 110% ये sentence सही है। What are you? कोई गलत, कुछ गलती नहीं है, और ये मैं प्रूफ करूंगा अंत में आते आते, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बोरिया अपना महसूस हो, मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन ईजी है, ठीक है, मेरे दिमाग में उस टाइम चल नहीं रहा था, शुरू हो गई बात,
एक दो लाइन बोलो तो अपने आप इंजन स्टार्ट करने में टाइम लेता ना, बस वही है। तो व्हाट आर यू भी 110% सही। तो आइए पहुंचते हैं इस तक। एक एक तीन शब्दों का एक सेंटेंस है और बच्चे इन्हीं की पैसिव बनाने में। टू हूम आर यू टॉकिंग अबाउट, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, दोनों में क्या अंतर है? टू क्यों लगा, हूम क्यों हुआ, कैसे कब कहां, आते हैं अपनी बात। लेकिन मोटा मोटा आप क्या सीखे, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के, एक ओपन एंडेड एक क्लोज एंडेड। देसी भाषा में बोलो तो एक में आप हाँ या ना का उत्तर देते हैं, एक में आप उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं, रीजन देते हैं, दैट्स इट। दूसरा, दोनों में ही क्वेश्चन वर्ड लगे ना लगे डजंट मैटर। ये भी बना होगा आपको कि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं लगता, ऐसा क्या था कि इसमें क्वेश्चन वर्ड, क्या तुमने खाना खाया, हाँ या ना में उत्तर दोगे, हाँ या नहीं, तो इसमें आपने वॉट की मीनिंग नहीं लिखी। हिंदी बनाते टाइम तो बोलते हो ना क्या तुमने खाना खाया, लेकिन अगर तुमने इंग्लिश लिख दी तो मतलब हो जाएगा तुमने खाने में क्या खाया। यही तो होता आया है आज तक, ऐसा क्यों करते हैं, ये सब टेंस का पार्ट है जो वहां पढ़ेंगे। अभी के लिए इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बाकी जितने सेंटेंसेस हैं उससे अलग है। अपने जीवन में भी देख लीजिए, जैसे ही किसी ने प्रश्न पूछा आगे बढ़ी, ये तो आता नहीं, ठीक है। टीचर क्लास में जाए जितना सिलेबस करा लेकिन पेपर में जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखते हो इसका जवाब देना है, डीपी लो, ये भी नहीं आता। यही तो होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर। तो ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव की खासियत नहीं है। किसकी खासियत है, इन्वर्जन की। और इन्वर्जन का काम क्या है, इम्फसाइज करना। आप अभी बहुत जगह देखते हैं, आज के बाद कभी भी एक गुरु मंत्र रख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है, दैट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई मतलब ही नहीं इंटरोगेटिव का, इन्वर्जन फॉलो हो रहा। आज के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी है, दैट मींस देयर विल बी इन्वर्जन, ठीक है। अगर वो सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो उसमें इन्वर्जन लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नहीं है, इन्वर्जन का रूल है। हाँ, so, बिल्कुल भी, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से आना पहले आना इंटरोगेटिव का रूल नहीं है, इन्वर्जन का रूल है। हाँ, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट से पहले, तो इसको आप कहेंगे यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। जरूरी नहीं जहां जहां आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर दिखाई दे वो आपका इंटरोगेटिव हो जाए ना, क्योंकि ये इंटरोगेटिव की खासियत नहीं है, इन्वर्जन की खासियत है। इन्वर्जन हर वहां जगह लगेगा जहां पे आप क्या लगाएंगे, जोर देंगे अपनी बात को, एम्फसाइज करेंगे। अरे मुझे उसका मूवी का मुझसे शादी करोगी का डायलॉग है, जब उसके माँ पिता की बुराई कर रहा होता है सलमान खान, और वो पीछे खड़ी होती है। अगर आपने देखा होगा मूवी, मुझसे शादी करोगे, नहीं देखी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है ना, 25 लड़कियों से तुमने पूछा था, पहले बोलते थे फिर दो मिनट पॉज लेते थे, फिर मूवी देखी क्या, तब तक टीचर सुन लेता था, तो मैं दिखाऊंगा तुम बाहर आओ, ठीक है। तो उसमें एक डायलॉग है, मुझसे कभी बात मत करना, इंग्लिश में बोलती है, अब वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो ग्रामेटिकली वो बात समझा नहीं पाऊंगा। अगर मान लो उसने कहा नेवर टॉक टू मी, फिर अगली लाइन बोलती है डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू मी, तो वहां पे उसने डू और नॉट बाहर कर दिया। क्या वो प्रश्न पूछ रही थी, क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे, वो तो मतलब थपड़िया रही थी कि मुझसे कभी हिम्मत भी मत करना बात करने की, और वो क्या लगा रही थी, बाहर। ये इन्वर्जन है, जोर देके कह रही थी बात। कभी कहते डोंट टच माई बुक, बोलते हो कि नहीं मेरी किताब मत छूना, तो डू बाहर क्या कर रहा है, उस साथ साथ नॉट को भी खींच लाया है क्योंकि निगेटिव है, डू बाहर क्या कर रहा होता हूँ। आप जब सामने वाले से कह रहे हैं ना मेरी किताब मत छूना, तो मतलब मत छूना, अगर छू लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो जो डू है वो इन्वर्जन है, वो आपको एम्फसाइज कर रहा। इंपेरेटिव सेंटेंस में यही चीज होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका टेंस नहीं यूज होता कभी, आपने कभी देखा होगा नरेशन बनाते टाइम इंपेरेटिव सेंटेंस में ना दैट लगाते हो, कभी देखे हो टेंस चेंज होता है, टाइम बदलते हो, ही सेड टू मी गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। तो जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है वो समय सीमा से परे है, उसमें समय नहीं, और जहां समय नहीं वहां पे स्टेट ऑफ एन एक्शन नहीं, जहां समय नहीं वहां स्टेट ऑफ एन एक्शन नहीं, तो जहां दोनों नहीं वहां जो आप टेंस पढ़ते हैं वो नहीं, इसीलिए
जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की नरेशन बनाते हैं टीचर क्या बोलता है, ऐसे ही चेक दो, बाकी चीजें ऐसे ही चेक दो, सब यहीं से जन्मा है, वो ऐसे नहीं होता, उसी में जगह बनती है आपकी कॉमन नाउन की। अभी वो सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इंटरोगेटिव का क्या, हम क्या समझाना चाहता था, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है, क्लियर कट, बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है, बाकी भूल जाइए, हर चैप्टर में ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, आगे बढ़ते हैं। इसी में टाइम लग जाता है और कोई बात नहीं। अब बचपन से मैं आ जाए हु whom, whose, what, which, how, where, when और why, इतने ही शब्द है हमारे पास जो हमारे प्रश्न का जवाब देते हैं, देते हैं। अब प्रश्न आती है क्या ये सारे इंटरोगेटिव हैं? यस, ये सारे इंटरोगेटिव हैं और सारे डब्ल्यू एच फैमिली के हैं, लेकिन इनके और भी फंक्शन है, वो बात की बात है। लेकिन क्या ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? तो आप जानते हैं प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन की जगह पे आना, ठीक है। और नाउन क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, नाउन किसका रिप्लाई करता है, हु, हु और व्हाट, नाउन इन्हीं तीनों का रिप्लाई करता है, ये मैंने नाउन में पढ़ाया था, क्यों करता है, ठीक है। तुम कौन हो, ठीक है, तुम किसके हो, ठीक है, खुश मत हो लेना, ठीक है, तुम कौन हो, और इसी का ऑब्जेक्ट, हु का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हुम होता है, और व्हाट आपका क्या का रिप्लाई करता है कि ये क्या है, सामने से आएगा क्या, ये बॉटल है, यही तो है, तो मैं क्या पूछूं, ये क्या है, वेयर से लगा के पूछूं, नहीं पूछ सकता, क्या पूछूंगा मैं, क्या लगा के पूछूंगा, तो रिप्लाई किसका होता है, हु का रिप्लाई करोगे तो भी, ठीक है, व्हाट का भी रिप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलता है, नाउन। तो ये तीनों चीजें नाउन का रिप्लाई करती हैं, क्यों करती हैं, नाउन के वीडियो जाके देखिए, ठीक है। और यहां से जन्म लेता है आपका क्या, नाउन, और नाउन से ही जन्मा कौन, प्रोनाउन, ठीक है, नाउन की रिप्लेसमेंट ही तो है। आइए वापस मुझे बताइए, अगर हु नाउन का रिप्लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हु क्या होगा आपका, प्रोनाउन होगा, नाउन की जगह पे तो लगेगा, तुम कौन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तो आपने क्या बताया, एक रिलेशन बताई, वो कौन का ही तो होगा, ठीक है, तुम कौन हो, मैं पागल हूं, तुम यही बोल सकते हो, तो आप क्या बता रहे हो, कौन, हुम क्या है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, अभी एग्जांपल में बता दूंगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, हूज, अब ये क्या है, नाउन की ही पोजेशन है, जैसे हम देखते थे राम की का, राम्स का, अब मुझे नहीं पता कि राम की कार है तो मैं क्या बोलूंगा, हूज का, ये किसकी कार है, आप देखिए क्लास में कभी कभी ढक्कन मिल जाता था किसी बच्चे को, ये ढक्कन किसका है, पीछे से आवाज आती थी किसी ढक्कन का, ऐसे ही तो करते थे क्लास के अंदर धीरे से, टीचर ना सुने, और टीचर है तो फिर नहीं है तो फिर तो आतंक मचा देते थे, यही तो करते थे क्लास में। तो ये किताब किसकी है, हूज बुक इज दिस, पूछते थे, क्योंकि उस किताब पे अधिकार तो किसी इंसान का होगा, और अगर इंसान का होगा तो वो नाउन होगा, और अगर वो नाउन होगा लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन तो पता नहीं है तो प्रश्न ही तो पूछोगे, तो किसी नाउन की अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं पता तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, हूज का करते हैं। ये तीनों एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, बस ये सब्जेक्ट को दिखाएगी, ऑब्जेक्ट को दिखाएगी, और ये उसकी पोजीशन को दिखाएगी। तीसरा है वर्ब, ये क्या है, तो ये भी किसका रिप्लाई करेगा, नाउन का, तो ये होगा क्या अपने आप में, प्रोनाउन ही होगा। अब बात कर लेते हैं विच क्या है, विच यही है क्या, हु, इसी में पढ़ा रहा था ना मुझे, चलो ठीक है, पॉइंट और दिमाग में घटका, याद रखिएगा मैं भूल जाऊं, आपका प्रश्न है मुझसे पूछना कि हु का जब केस होता है हुज, तो विच का केस क्यों नहीं होता, हुज, ये तो हुज ही लिखी है, विच का विच इज, कुछ भी बना दिया, ऐसा क्यों नहीं होता, अभी बताऊंगा, अगर भूल जाऊं तो मुझसे पूछ लेना, क्या हु और विच में कोई अंतर नहीं बच्चे, हु लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है, विच नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हु का यूज इंसानों के लिए, तुम कौन हो तो इंसान के लिए, अगर आप जैसे किसी घर की बात कर रहे हैं तो इस पर से तुम्हारा घर कौन सा है, कभी दोस्त घर जाते हो गली में चारों घर लगे हुए, मतलब घर लगे जहाँ बने हुए हैं, भाई इस पर तुम्हारा घर कौन सा है, मान लो फोन पे बात कर रहा, तुम खटखटाए धूप में कहाँ घूम गए, तो विच इज योर हाउस, तब नहीं कहते हु इज योर हाउस, क्योंकि हु किसके लिए है बेटा, इंसानों के लिए, हाँ ये पूछ सकते हो हु इज योर फादर, चार लोग घर में है तो ये तुम्हारे पिताजी कौन है, तब आप पूछ सकते हो, लेकिन घर के लिए आप नहीं पूछ सकते, तो क्या लगाओगे, विच इज, तो हु और विच में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, हु लिविंग बींग के लिए यूज करते हैं हम,
विच नॉन लिविंग बींग के लिए यूज करते हैं, बट दोनों ही रिप्लाई किसका करते हैं? क्या? ठीक है, क्या का कौन का? तो विच और हु देखो यार, आपके मन में प्रश्न आएगा सर हु का एक केस होता है क्या? हु? इसका एक और केस होता है पोजीशन दिखाने के लिए हु, तो विच का क्यों नहीं हुआ? विच का भी होना चाहिए। और पेपर इस पे बहुत खौफनाक एरर करता है, जो बुक में लिखी होती क्या इसमें ऐसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपके मन में ये डाउट ना आए। पहले निवारण तो बाद में, पहले डाउट आना चाहिए कि टीचर बोल रहा है कि हु लिविंग बीइंग के लिए, विच नॉन लिविंग बीइंग के लिए, यानी है तो दोनों एक ही कैटेगरी के, तो फिर विच का भी तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, विच का भी तो पजेसिव केस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होता है यही बना दोगे, लेकिन इसका इसलिए मैंने पजेसिव ही लिखा क्योंकि ऑब्जेक्टिव फिर इसकी फेस वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन विच का पजेसिव एडजेक्टिव क्यों नहीं होता तो इसी में देखेंगे, लेकिन आज शायद ना हो पाए कल की क्लास में, याद रखना तुम्हारा काम, मैं भूल जाऊं तो। तो ये चारों रिप्लाई किसका करते हैं? हु व्हाट और हुम का, ठीक है, इन्हीं चीजों का जवाब देते हैं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किसके हो, फलाना ढिमकाना। और यही मैं क्या बोलते हैं उसको नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी यही चीजें इस्तेमाल रहती। फिर ये चारों क्या है, ये हमें इस कैटेगरी में नहीं पढ़ना, ठीक है। एक ब्रीफ कर देता हूँ, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर एडवर्ब, ठीक है, इसको बाइफरकेशन करेंगे तो एड प्लस वर्ब हो, तो वर्ब में कुछ ऐड कर, किसी भी एक्शन में अगर आप कुछ ऐड कर देते हैं उसी को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से ऐसा लगता है। तो मुझे बताइए एक एक्शन के, मान लो तुम्हारे मोहल्ले में हो गया मर्डर, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कहाँ कहाँ से बनेंगे, कैसे हुआ, चक्कू मारा कि गोली मारा, कहाँ हुआ, घर के पीछे हुआ, घर के अंदर हुआ, छत पे हुआ, कब हुआ, सुबह हुआ, दिन में हुआ, शाम को हुआ, और भैया सबसे बड़ा सवाल किसी भी प्रतिबंध क्यों हुआ, ठीक है भाई, जब तक मर्डर कैसे, एक तो वेपन चाहिए और दूसरा रीजन चाहिए, पता चला कल को तुम्हारा खून हो जाए, मुझ पे इल्जाम लग जाए, तो भाई कोई रीजन तो हो सकता है कि इतना झल्ला गए कि पढ़ ही नहीं रहा तो पूछ दिए ले जाके। जब तक पीछे उसका मोटो नहीं प्रूफ होगा तब तक आप कैसे कह सकते हो। तो किसी भी घटना के पीछे चार ही मेन प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजन पे, किसी भी घटना मतलब एक्शन, किसी भी वर्ब पे चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो मर्डर हो, जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा बेटा खाना खा लिया, तो खाना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, उस खाने पे चार ही क्वेश्चन, कैसे खाया, कहाँ खाया, क्यों खाया, कब खाया, तो ये चारों के चारों एक्शन किसको रिप्लाई किसका कर रहे हैं, एक वर्ब का, वर्ब की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये बात कह सकते हैं कि जिसका रिप्लाई करेंगे वो क्या होगा अपने आप में, एडवर्ब होगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हेडिंग बनी है, इसलिए ये चार आज की क्लास यानी कि इस पार्ट में नहीं पढ़ना, हाउ वेयर व्हेन व्हाई, ये तब पढ़ेंगे जब हेडिंग बनेगी इंटरोगेटिव एडवर्ब, वहां पे हमें ये नहीं पढ़ना, वहां पे ये पढ़ना, ठीक है। तो हमारी क्लास का मेन मोटो है केवल ये पांच को ध्यान से देखा जाए। मेरे दिमाग में बात चल रही है इसी में दिखा दें कि रिलेटिव प्रोनाउन तक वेट करें, चलो देखा जाएगा अभी यानी। तो हमने क्या सीखा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, अगर पूछा जाए हु हू हूज व्हाट व्हिच हाउ वेयर व्हेन व्हाई क्या है, तो एक लाइन में WH फैमिली के शब्द आप नहीं बता सकते कि इंटरोगेटिव है कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये प्रश्न पूछना छोड़ देंगे, ये कुछ और करने लगेंगे। तो एक WH फैमिली के वर्ड है जिनका अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, पहला यूज आप कर रहे हैं क्या, इंटरोगेटिव, ठीक है, वो भी किसमें, प्रोनाउन में। तो कितने हैं आपके पास, चार है, पांच है, पांच है आपके पास, बस ये क्या है, ये आपके एडवर्ब का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वर्ब किसी एक्शन का डिस्क्रिप्शन देते हैं, कहां क्यों कब और कैसे, ठीक है, ना कि किसी नाउन का। तो इनको टाटा बाय-बाय बोलो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब प्रश्न है वही हु इज ही हु इज ही, इन सबको बात करने के लिए चले पुरानी बातें साथ ही ध्यान बोलो, हु आर यू, प्रश्न लगा है, जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया क्या दिमाग में आया, सबसे पहली बात
इन्वर्जन। क्या इस सेंटेंस में इम्फेसाइजेशन होगा? इम्फेसाइज का मतलब बात को जोर देना, और जोर देना है क्योंकि इंटरोगेटिव है तो कुछ खास तो होगा, और अगर आप इसको जोर देंगे तो इसमें इन्वर्जन लगेगा, और इन्वर्जन लगेगा तो आपकी जो ये वर्ब है ये कहाँ लगी होगी? सब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट कौन है? फिर हु क्या है? मेरा सवाल यही है। हूँ तो बेटा सब्जेक्ट। चलो छोड़ छोड़ छोड़, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे, कौन सा सही है? Who are you talking to? Who are you talking? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। Who are you talking to? Whom are you talking? सही है क्योंकि हु का बिहेव एज अ सब्जेक्ट
प्रेजेंट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। वापस आइए पेपर में ऊपर वाले सेंटेंस से टू आ रही। अब जरा जज करिए इस बात को, ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तो जब ये सही तो उसमें क्या दिक्कत, ठीक है। लेकिन एक बात और समझिए दूसरे तरीके से, ये जो आर है ये एक्शन तो दिखाती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा हु इज ही और व्हाट इज ही, ये दोनों चीजें सुनने में बड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, लेकिन ये 100% सही है। क्यों? जरा ध्यान से देखिए, आई एम अ टीचर, ये आई छोड़ो, इसी का आंसर है हु इज ही ही इज अ टीचर, यही तो है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। हु इज ही वो कौन है? वो पिताजी है, वो टीचर है, वो भाना है, वो मेरा भाई है, कुछ भी कह लीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया ही इज अ टीचर। आइए इसका जरा पोस्टमार्टम करें, इस क्या है आपकी मेन वर्ब हो जाएगा अभी के लिए, बाकी आगे पोस्टमार्टम करेंगे। ही आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्त, टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तब तक नहीं है जब तक ये एक्शन नहीं दिखा पाए, ऑब्जेक्ट ये तब तक नहीं है जब तक ये एक्शन ना दिखा पाए, तो एक्शन दिखा नहीं रही है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी इसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही तो है। तो मुझे बताइए यहाँ पे टीचर का प्रश्न कौन पूछ रहा? टीचर का प्रश्न कौन पूछ रहा? हु पूछ रहा, तो हु भी जगह किसकी लेगा? सब्जेक्ट कौन? नहीं समझ। व्हाट इज ही? ही इज, तो व्हाट का रिप्लाई कौन कर रहा? डॉक्टर और डॉक्टर। भाई अभी भी कारण नाउन, व्हाट क्यों आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये आंसर किसका करता है? नाउन का करता है। अभी यहाँ पे रिप्लाई किसका कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है। आप कहोगे सर ये तो एडजेक्टिव का रिप्लाई कर रहा, तो इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहो। तो बात ये नहीं है बेटा, बात ये है एक्चुअल में डॉक्टर टीचर ये पिताजी हैं, ये हैं तो ये नाउन ही, ठीक है। बस वहाँ पे वो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वो पिताजी हैं, ठीक है। आप उनकी अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, किसी में कोई चीज ऐड होने का मतलब वो बिहेव किसका करता है। इसीलिए इसको एडजेक्टिव नहीं ग्रामर बोलती, इसको नाम दिया सब्जेक्ट की विशेषता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जानते हैं ये सब्जेक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ये नाउन ही बिहेव कैसा कर रहा है एडजेक्टिव के तरीके से, तो ये व्हाट है ये भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। तो आपका एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है मेरे दोस्त? ही है। और याद करिए यही तो क्लास में पढ़ाया गया कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे लिखो सब्जेक्ट, आगे नहीं। तो आप यहाँ पे हु को जो व्हाट को समझ रहे हैं कि ये मेन सब्जेक्ट है ना, ये उस सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट की, लेकिन अतिरिक्त जानकारी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी शादी हो तो आदमी पूछेगा भैया इसमें लड़का कौन है, तो लड़का वहां दर्जन भर भरा पड़ा है, ठीक है। 25 तो तुम्हारे ही दोस्त गए हुए हैं, लेकिन लड़का का मतलब जिससे उस दुर्भाग्यशाली कन्या की शादी हो रही है, वो ये पूछना चाहते हैं। तो आप लड़के ही हैं, लेकिन आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई आज आप दूल्हा बने हैं, ठीक है। तो दूल्हा भी नाउन है, आपकी ही तो जानकारी दी जा रही है कि आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो वही चीज, ये लड़का है और ये उसका घटक, ये उसको दूल्हा बनाए हुए हैं, तो ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपको लग रहा है कि ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा इन्वर्जन के, कि सब्जेक्ट से, माफ कीजिएगा, वर्ब से पहले आपका क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट वही रखे हुए, इसीलिए तो कभी यहाँ पे हिम और हर नहीं किया, ठीक है। हु इज ही, व्हाट इज ही। अच्छा थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर ले, पेपर में कभी ये लिख के आ जाए विच इज ही, राइट और रॉन्ग है 101% सही है, 101% सही। हाँ बताऊंगा, यही मेरा काम है। विच इज ही, ध्यान से सुनिए, अभी अभी मैंने चीख के कहा विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। अच्छा बात शादी, शादी आपकी होती है कैसे होती है? पहले देखना दिखाने का नाटक चलता है, अपने यहाँ कल्चर में तो यही है। 10 फोटो आपके सामने रख दी जाती हैं,
या आपके सामने क्या माता पिता खुद ही डिसाइड कर लेते कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो जो तुम बाद में अपने हिसाब से सब सेट कर लेते हो। तो जब शादी की फोटो रखी जाती है आपके सामने तो उसमें विकल्प होता है, ऐसा तो है नहीं कि घर वाले उठे कि नहीं बस किसी से शादी कर लो। पूछा आप पहले जमाने का क्या, लेकिन आजकल तो खुद ही कर रहे हो, लेकिन मान लेते हैं 90 के दशक की घटना मान लेते हैं कि आपके सामने चार रिश्ते आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चार रिश्ते आए, चारों में से आपको क्या करना था, डिसाइड करना था। तो मुझे एक बात बताइए, आप दुकान पे जाते हैं ठीक है, अपने लिए पर्स ले लें, लड़के अपने लिए जीन्स ले लें जाते हैं ठीक है, एक तरीके से जो शादी का जो रिश्ता है वो भी तो वैसे ही है, आप खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ का बात कर लें तो लड़के वाले यार ये वाली गाड़ी दे रहे हैं, ये वाली गाड़ी दे रहे हैं, इनमें यार लड़की नौकरी करती है, इनका ये बाकी सब चीज़ें गुण क्या है ये सब सेकेंडरी हो जाता है ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप उसको वस्तु मान के डील कर रहे हैं, करते हो कि नहीं करते। किसी भी चीज़ का चुनाव अगर मुझे तुम में से 10 जितने भी बच्चे हो तुम में से 10 बंदों को उठाना हो चुनना हो तो मैं आपको एक लिविंग बींग की तरीके से डील नहीं करूंगा, क्योंकि इंसानों का चुनाव नहीं कर सकते। इंसानों का चुनाव तब होता था जब गुलामी करते थे आप कि ये वाला गुलाम ज़्यादा अच्छा है ये वाला गुलाम कम अच्छा है, तो उसके कंपैरिजन में लिविंग बींग को जब आप ऑप्शन में रख देते हैं इन चार में से कोई दो तो वो डील कैसे होने लगता है। नॉन लिविंग बींग जानते हैं विच इज बी का मतलब क्या है, अपने आप में ये बताता है क्या नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। जब आप पूछते हैं विच इज ही, ये तो बड़ा अजीब सा है, विच इज फादर ऐसे लिखा होगा, तो मतलब 10 लोग हैं उसमें आप पूछ रहे हैं कि इसमें मान लो शादी बारात में क्या हो, लड़के के पिताजी कहाँ है भाई, उनको माला पहनानी है ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। लड़का कहाँ है कहीं वो पीछे पी के गटर में पढ़ा है या वो पहले नहलाओ जाके उसको, बहुत पियक्कर टाइप का है। तो लड़के के पिताजी कहाँ है, दर्जन भर आदमी में से भी लड़के के पिताजी नीचे से निकलते हैं जब खांसते हुए कि भाई साहब हम ही है, क्योंकि आज तक तो बेइज्जती करवा उनकी पहली बार इज्जत हो रही थी बेचारे, वो भी खुश है। तो विच इज ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। याद रखिएगा लिविंग बीइंग के साथ विच का यूज उसी जगह करेंगे जहां ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो एंड सो एंड सो, ऐसे सेंटेंस केबीसी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ये क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग बोलता है नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्यों चार ऑप्शन है, मैटर नहीं करता ऑप्शन जिंदा लोगों का है कि मरे हुए लोगों का है। भाई तुम्हारे घर में चोरी हुई पेपर में सेंटेंस आया था तो पुलिस वाले ने पूछा चार नौकरों में से किस पे शक है आप, तो विच ऑफ द फोर सर्वेंट ना कि हु। तो याद रखिएगा व्हाट इज ही विच इज ही हु इज ही, सारे सही है अर्थ अलग अलग है ठीक है, वो दोनों का अलग है और विच इज ही का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बेटा आपके पास, चार लोगों में से आप पूछ रहे हैं 16 लोगों में से पूछ रहे हैं ठीक है, चाहे वो जिंदा वस्तु हो चाहे मुर्दा वस्तु हो, अभी जब हम ऑप्शन सेंटेंसेस करेंगे तो वहां पे इन बातों को देखेंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी, विच इज ही पेपर में सिरे से काट के मत चले आइएगा। हाँ अब बात यह है आपको आगे कहानी ऐसी लिखी हुई जिसमें पता नहीं चल रहा ऑप्शन है कि नहीं है, तो फिर वो गलत हो जाएगा ठीक है। चार बहनों में से किसकी शादी पहले होनी है, तो विच ऑफ फोर सिस्टर 100% सही, अगर हु इज फोर हु ऑफ फोर सिस्टर ऐसा कुछ लिखा है तो सिरे से काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन जहां पर भी है वैकल्पिक सुविधा जहां पर भी दी गई है वहां भी आप, भैया इतने आपने पेपर दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यही तो करते हो चाहे वो लिविंग बींग हो चाहे नॉन लिविंग बींग हो, मैटर नहीं करता, आपको विच का यूज करना ही पड़ेगा ठीक है। तो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, मेरा मेन टारगेट था आर को पहचानो, ये बहुत मैंने अभी डिटेल में नहीं घुसा हूँ, डिटेल में चलेंगे यही चीजें जब हम प्रूफ करेंगे एक सेंटेंस के अंदर हु लिखा होगा और वहां पर आपको बताना है कि इंटरोगेटिव है या नहीं, अभी तो हमने सारे इंटरोगेटिव ही रखे हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ना है फिर उसको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी बस इतना याद रखना है कि आपका अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है उसमें इन्वर्जन लगेगा, और इन्वर्जन लगेगा तो उसका सब्जेक्ट कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये आपका सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसीलिए आप पेपर में इसको टू
लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हु को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बिहेव कराया जाता है, इसलिए किसी से भी अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है इंग्लिश और आपको वहां पे ग्रामर चेक करनी है तो यही सब्जेक्ट रहेगा, इसको सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन कर रहा है। और पेपर आपको इसको कैसे दिखाना पड़ेगा, तो हु दिखाना पड़ेगा, हु आर यू इंटरव्यू।